केंद्र सरकार ने 2023 से 24 सीजन के दौरान चावल का घरेलू उत्पादन बढ़कर एक लाख टन के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है जो 2022 से 23 सीजन के अनुमानित उत्पादन एक लाख टन से 9.45 लाख टन ज्यादा है उद्योग व्यापार क्षेत्र का मानना है कि वास्तविक उत्पादन सरकारी अनुमान से कम हुआ है ध्यान देने की बात है देश से 100 सौ प्रतिशत टूटे चावल एवं गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है नवी मुंबई के थोक बाज़ार में चावल का भाव 10 से 20 प्रतिशत बढ़ गया है वहां बासमती चावल का दाम 70 से 110 सौ रुपये प्रति किलो तथा सामान्य श्रेणी के चावल का भाव 28 से 70 रुपये प्रति किलो के बीच चल रहा है खुदरा बाज़ार में भाव इससे ऊंचा होना स्वाभाविक ही है वाशी स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति के परिसर में कार्यरत व्यापारियों स्टॉकिस्टों का कहना है कि बेशक केंद्र सरकार ने एक लाख टन चावल के शानदार उत्पादन का अनुमान लगाया है लेकिन हकीकत यह है कि पिछले साल मानसून सीजन के दौरान बारिश कम होने तथा तापमान ऊंचा होने से धान चावल का उत्पादन घट गया इसके फलस्वरूप विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों के चावल के दाम में पाँच से दस प्रतिशत का इज़ाफ़ा हो गया बासमती चावल का थोक बाजार भाव मई में पैंसठ से एक सौ प्रति किलो के बीच चल रहा था जो चालू माह में बढ़कर सत्तर से एक सौ प्रति किलो हो गया है इसी तरह सामान्य श्रेणी के चावल का दाम 22 से साठ रुपये से बढ़कर 28 से सत्तर रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है उल्लेखनीय है कि वाशी थोक मंडी में दक्षिणी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं गुजरात आदि से विशाल मात्रा में चावल की आपूर्ति होती है इसके अलावा वहां नागपुर चंद्रपुर एवं थाने आदि से भी सामान्य चावल पहुंचता है जबकि चावल पंजाब हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से मंगाया जाता है जहां इसकी आपूर्ति का ऑफ सीजन चल रहा है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी